दोस्तों, जब से एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का न्यू डिजाइन हमारे सामने रिवील हुआ है, तब से सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हैं प्लेस्टेशन 5 का नया डिजाइन देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मनोनी जैन और मैं राहुल जैन, नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक फैन मेड ट्रेलर है, इस पर रिएक्शन देने वाले हैं हम। दोस्तों, जरूर हमारी तरह मुझे लगता है आप भी बहुत गुदगुदाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन सीरियसनेस के साथ हमारा क्या ओपिनियन है ये हम वीडियो के एंड में बताएंगे। तो नोनी जी, सबसे पहले देखते हैं ट्रेलर। और दोस्तों, एक बार हम देख चुके हैं, हम आपसे ऑनेस्टली बता दें, मैंने नहीं देखा। नोनी जी को मैंने अभी तक नहीं दिखाया, लेकिन मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस पर रिएक्शन देना चाहिए और काफी सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा, तो वैसे देखकर हंसेंगे कि लोगों की क्रिएटिविटी कैसी होती है। मैंने भी मिस कर दिया। तो यहाँ स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं क्या लिखा है नोनी जी। व्हाट वुड PS5 लुक लाइक इफ इट यूज द कूलिंग सिस्टम ऑफ 2013 एप्पल मैक। एप्पल मैक प्रो का कूलिंग सिस्टम यूज करता है अगर वो 2013 का, तो कैसा दिखेगा। गाइस, स्टार्टिंग में ही फैन ने बता दिया है, ये कंडीशन अप्लाई वाला सिस्टम है, कि अगर 2013 का एप्पल मैक प्रो का वो कूलिंग सिस्टम यूज कर रहा है तब PS5 कैसा होगा। क्रिएटिविटी सिंबल आ गया बना हुआ, ब्लू लाइन। लाइटिंग से शुरुआत करते हैं। उससे तो गेम में दिखाई मिल रहा है, लास्ट ऑफ एस 2 वगैरह। ये गॉड, अच्छा इसमें गॉड फॉल का भी दिखाया था। ये गॉड फॉल, ओ ट्रायंगल वर्क का भी उसमें डाला है, दिखाना। नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ यार, इसने तो पूरा एक्सबॉक्स सीरीज एक्स खड़ा कर दिया यहाँ पे। एक्सबॉक्स सीरीज एक्स नहीं, इसने पता क्या करा, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स रेक्टेंगुलर है ना, उसने वैसा ले लिया वो थोड़ा सा, लेकिन लेकिन शेप तो वही है ना एक तरह से, ट्रायंगुलर में है लेकिन वो हाइट में लिया है ना उसने, कर्व ट्रायंगल ले लिया। ये PS5 का कंट्रोलर है, पुराने तरह ही लग रहा है। हाँ। अच्छा, सीडी निकालने का सिस्टम देखा, साइड से स्लाइड हो रहा है, क्या बात है जी यार, वैसे बहुत क्रिएटिव बनाता है बंदा। स्टार्टिंग में अच्छा, स्टार्टिंग में सारे डिजाइन्स बना दिए, मॉडल ये मतलब मॉडल बनाना बहुत पसंद है। ये सीढ़ियां भी रखी है, ऐसा बड़ी लग रही है, बड़ी लग रही है, बड़ी साइज में, बड़े बड़े अल्ट्रा HD होगी ना ब्लूरे, लेकिन साइज तो सेम ही होगा। VR बहुत प्यारा है, VR बहुत प्यारा दिया इसने, लेकिन ये बनाने का तरीका देख रहे हो नोनी जी, किस तरह से बनाते हैं, कैसे सोचते हैं लोग। हाँ, हाँ। इनमें बहुत टाइम जाता होगा इनका, तो अप्रिशिएट करना चाहिए चीजों को। ये कौन है, नोनी? हाँ, वही थी। तो दोस्तों, ये पॉली पॉली लग रहा था ना ये। हाँ। जैसे वो पिताल 25 ही आता था पहले, उसका पॉली। तो दोस्तों, ये PS5 का है और आपने ऑफिशियल इनकी जो चैनल है उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सबसे पहले तो यार, हम इस बंदे को काफी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पहले भी हमने इनके फैन मेड ट्रेलर पे रिएक्शन दिए हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसा कोई बंदा अपने विजन से सोचता है, और ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग टीम होती है उनमें भी काम करते हैं, वो गुप्त रूप से इनकी हेल्प लेते हैं। हमने पहले भी बताया था आपको अपनी वीडियोस में, क्योंकि देखते हैं कि कितना क्रिएटिव है बंदा। आपको पता है जब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी एक बच्चे का वो राहुल जी ड्रोन कितना ज्यादा है, वो समझते थे नाकारा है, कुछ नहीं करता, लेकिन रैंडमली पसंद आ गया डिजाइन, पार की नजरें चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों बता दें कि ये एक तरह से पूरा ही जो ट्रेलर है वो फेक है, ऐसा तो हमें भी पता है मॉडल नहीं होने वाला। तो उसकी डेव किट हमने सबने देखी है प्लेस्टेशन 5 की, वो कैसा है, और अभी रिसेंटली एक डिजाइन जो है उसका रिवील हुआ था, लेकिन वो डिजाइन भी अभी तक कंफर्म नहीं है, और ये तो दूर दूर तक होगा नहीं। हम बताते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा जी, क्योंकि एक्सबॉक्स सीरीज एक्स मल्टीपर्पज डिजाइन देने वाला, वो डिवाइस देने वाला है, उसको उसने अपने कंप्यूटर भी उसमें डाला है, और मतलब PC भी डाला है, Xbox भी डाला है, मतलब उसमें बहुत सारे, एक ही डिवाइस बहुत सारे काम करेगा, इसलिए उसकी विड्थ वगैरह हाइट जो है उसको बढ़ानी पड़ेगी CPU की तरह। हाँ। मतलब CPU की तरह ये नहीं कह सकते बढ़ानी पड़ी, क्योंकि अगर वो चाहता हाँ। तो वो वैसा मॉडल भी बना सकता था, मतलब ब्रेन टाइप में कहते हैं ना, जैसे वो CPU क्या होता है, एक ब्रेन है ना, और बहुत सारे का दिमाग है, लेकिन बहुत तो सारे लोगों को उसकी लुक नहीं अच्छी लगी, पर मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तो अच्छा लगा। एक्सबॉक्स सीरीज है वो, कुछ वो उसने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन अभी दोस्तों, लेकिन एक्सबॉक्स सीरीज से रिलेटेड बहुत ही बड़ी न्यूज आई है, वो गुड है या बैड है उस पर आपको हमारा जल्दी वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये एक तो इतनी हाइट तो देगा नहीं प्लेस्टेशन, और डिजाइन भी अपना जो प्रीवियस कंसोल था उसी को ही एनहेंस करके या उसी को कुछ स्टाइलिश लुक देकर देने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो राहुल जी मतलब ये वैसा सही है देखने में, हमें ठीक लग रहा है, लेकिन हम चाहते भी नहीं कि ऐसा हो प्लेस्टेशन 5, और जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था प्लेस्टेशन 5 पर वैसा अगर होता है तो हमें सच में बहुत खुशी होगी। बाकी आप बताइए कि आपको ये क्रिएटिविटी कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और ये भी बता देना डिजाइन आप कैसा चाहते हैं, कौन सी शेप में चाहते हैं, पेंटागन, हेक्सागन,
स्क्वायर ट्राइंगल या वी जो भी शेप है सर्कुलर चाहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर हाँ बिल्कुल बताइए। दोस्तों आप अपनी पसंद की बता दो। नोनी जी तो ऐसा सोच रहे हैं जैसे रेस्टोरेंट खोल रखा है सोनी वाले ने, अपनी अपनी पसंद की डिश दे तो सबको थालियां मिलेगी अलग अलग, तो ऐसा नहीं है यहाँ कुछ नहीं भी। जिनकी मैक्सिमम होगी क्या पता फिर सोनी वाले देख लें वो कमेंट्स हमारे वीडियो के गलती से नहीं नोनी होगा जी वो तो पहले तो मैं आपको बता दूं पूरी तरह से चीजें बन चुकी डिजाइन हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, दस दो अब तो उसके बल्क में एक तरह से पीसेस तैयार होने वाले हैं जल्दी, और अब हमारे सामने बस नेक्स्ट मंथ का हमें वेट है। हमारी एनिवर्सरी भी है और हमें लगता है उसके आसपास जो है वो सब चीजें रिवील हो जाएंगी, तो बहुत अच्छा जाएगा हमारा फेब मंथ। तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।